कि अभी तो सेल बहुत डाउन है, कम से कम 4,000 तक सेल है। हाँ, होना चाहिए कम से कम हमको सेल 6,000 से ऊपर, तब हमको पोसाई खाएगा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। पटना के जो लोग हैं वो खाने पीने के शौकीन हैं और ये पिछले कई सालों से खाने का शौक बहुत बढ़ा है, इसलिए कि तरह तरह का आइटम राजधानी पटना की सड़कों पे आपको मिलेगा। हमने न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से पटना की जो बेटियां हैं वो चाय का स्टॉल लगा रही है, चाय के साथ साथ हर तरह के खाने का क्रेज़ है। लिट्टी चोखा तो इस पटना की पहचान है, लेकिन एक ऐसी दुकान पर आज हम खड़े हैं जो गया का आइटम है और ये चना भाजी के नाम से जाना जाता है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जगह अशोक राजपथ है, यहाँ सामने देखेंगे उर्दू एकेडमी है और खुदाबख्श लाइब्रेरी, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी खुदाबख्श लाइब्रेरी है। और ये रास्ता पटना कॉलेज साइंस कॉलेज की तरफ से आया है, एकदम ठीक अरविंद हॉस्पिटल के बगल में ये स्टॉल लगता है। और गया का जो इलाका है गोह, वहाँ का चना भाजी बहुत मशहूर है। चाचा हमारे साथ हैं, क्या शुभ नाम हुआ चाचा आपका? ललन प्रसाद। कितने दिनों से ये लगा रहे हैं आप? हम यहाँ 15 साल से हैं, जब बिजनेस हम 1990 में चालू किए हैं चना भाजी। पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद ये अपना सिस्टम बनाए। नहीं, कहा जाता है कि आपकी दुकान पे आपके अलावा और भी कोई रिश्तेदार होते हैं, तो ग्राहक को उसकी जो क्वालिटी है उसका जो मज़ा है उससे बता देते हैं कि आप नहीं थे, ऐसा है क्या? ऐसा भी है, जो हम बना के खिलाते हैं ना और किसी से नहीं बन पाता है। तो बनाइए, क्या क्या आइटम डालते हैं आप? तो हम आपको बता रहे हैं कि जो चना भाजी का आइटम, इधर से दिखाओ कैमरामैन गौतम, इधर से दिखाइए, ये क्या है? यह 5 प्रकार का भाजी है, ठीक है, खीरा है, गाजर है, प्याज है, बीट है और चुकंदर है, ये यहाँ 5 प्रकार का ही भाजी है। और 5 प्रकार का सेव और चिप्स भी है जी। ये झालमुरी है, चिप्स है, मकई का है, सेव है और चूड़ा है और फरी है उजरा। चलिए बना के बताइए जरा। दोनों 5 प्रकार का है, देखिए। एक दिन में कितना सेल है आपका? देखिए अभी तो सेल बहुत डाउन है, नहीं फिर भी एक नॉर्मल कम से कम 4,000 तक सेल है। 4,000? हाँ, होना चाहिए कम से कम हमको सेल 6,000 से ऊपर, तब हमको पोसाई खाएगा। काहे कि चीफ एंड बेस्ट सस्ता। वो क्या डाल रहे हैं? वो क्या डाल रहे हैं आप? ये देखिए जीरा गोरकी है। चना डाला आपने, चना कैसा है, फ्राई किया हुआ? हाँ, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये फ्राई किया हुआ, बॉइल किया हुआ पानी में। हाँ अच्छा, ये डाला आपने, आइए जो सलाद, 5 तरह का सलाद डाला आपने। हाँ, उसके बाद नमक है, नमक डाला, काला नमक, काला नमक है, जीरा है, गोरकी है। अच्छा, इसमें है धनिया है, जीरा है केवल, ठीक है। और ये देखिए आवड़ा का चटनी है, चटनी है आवड़ा। अच्छा, आवड़ा नींबू हरी मिर्च तीनों को बॉयल करके पिसाता है। तो पूरे साल ये आइटम है आपका? जी हाँ, आवड़ा देखिए, आवड़ा अभी भी है, देखिए वहाँ देखिए आवड़ा अभी भी, हम 12 मास आवड़ा हम रखते हैं, चाहे 200 रुपये किलो हो जाए, ठीक है आवड़ा। उसके बाद, और बाद देखिए गुड़ का चटनी है, ये टेस्ट बढ़ाता है क्या? हाँ, ये गुड़ का खुद अपने मीठा बनाते हैं, जितना आइटम है अपना खुद घर में बनाते हैं। अच्छा, घर का बनाते हैं? हाँ, कोई बाहर का नहीं है, मल मसाला सब अपने खुद पीटते हैं। तो ये बनाया आपने, उसमें वो डाला? हाँ, ये डाल दिया सारा मटेरियल? हाँ, सब ना दिए। अब देखिए खाने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, ये देखिए ये डाला, और ये गुड़ की जो चटनी है वो ऊपर से आप डालते हैं? हाँ, और बाद ये ऊपर से वो मूढ़ी का आइटम। हाँ, ये जो है ये टेस्ट बढ़ा देता है। हाँ, टेस्ट, हाँ, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कितने बजे दुकान लगती है आपकी? 10 बजे। 10 बजे दिन में? हाँ, 10 बजे। कितने बजे तक? 9 बजे तक। 9 बजे तक? हाँ। कितना सेल है? एक दिन में कितने लोग खाते होंगे नॉर्मल? अभी तो सेल नहीं है, अभी तो गर्मी का टाइम है ना, अभी खुद 5 बजे से चलता है भाई, 4,000 तक सेल है। आम दिनों में? आम दिनों 6,000 होना चाहिए, 6,000 से ऊपर होगा तब हमको बचेगा, नहीं तो लॉस में जाएगा। तो आपने सुना कि अशोक राजपथ पर जो ये चना भाजी का आइटम है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है घर की बनाई हुई होती है, घर से आइटम तैयार करके लाया जाता है। इसमें हरा जो चना होता है, कच्चा चना होता है, वो बॉयल करके डाला जाता है, 5 तरह का सलाद है उसमें, धनिया पत्ता, मिर्ची, प्याज और इस तरह का, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा मूढ़ी का जो आइटम है वो डाला है। कैसा टेस्ट है भैया? टेस्ट बहुत अच्छा रहता है भैया, इतने को खाने के लिए हम लोग दूर दूर से आते हैं, और इस ज़माने में 10 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी आपको कहीं भी, इससे संतुष्ट है। आपने खाया है? रोज़ खाते हैं सर। रोज़ खाते हैं? हाँ।
लोग कहते हैं कि लोग जो है युवा इसके दीवाने हैं इस चना भाजी के, इस स्टॉल के। एकदम इतना सस्ता और इतना अच्छा चीज नहीं मिलेगा आज के समय में। आप देख रहे हैं कि इतना मतलब इसी के चलते यहाँ भीड़ लगा हुआ है। कुछ क्वालिटी है तभी भीड़ लगा है, ऐसा मतलब भीड़ लगा रहे हैं। कुछ लोग और हैं क्या, ये इस आइटम में क्या खास बात है? टेस्टी है, टेस्टी बट। हमेशा खाते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है हमारा। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं? जी जी। कितने का मिलता है ये? अभी तो मैं 10 रुपये का ट्राई कर रहा हूँ खाकर। तो आपने सुना कि राजधानी पटना में जो है तरह तरह की खाने की चीज़ें हैं, लेकिन ये अशोक राजपथ पर स्थित है ये ठेला, रोज़ शाम को लगता है। वैसे आम दिनों में 10 बजे से लगता है, लेकिन गर्मी की वजह से, गर्मी की जो शिद्दत है उसकी वजह से शाम 5 बजे ठेला लगता है। और एक बेहतर आइटम है, हरा आइटम है, तो लोग यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जमा होते हैं। और लोग, कहा जाता है कि अशोक राजपथ के इलाके के जो लोग हैं इस चना भाजी के दीवाने हैं, जब यहाँ से गुजरते हैं तो ज़रूर इसका टेस्ट लेते हैं। और आखिरी बार हम इनसे जानना चाहेंगे के चचा, ये नगर निगम के लोग भी परेशान करते हैं? नहीं, कोई परेशान नहीं करते हैं, कोई परेशान नहीं करते हैं, आराम से बेच रहे हैं। कभी कभी आता है हटाने बढ़ाने के लिए, तो हटा बढ़ा लेते हैं। युवाओं की संख्या ज़्यादा आपके पास? हाँ, स्टूडेंट का लेकर के ज़्यादा संख्या है। और चीप एंड बेस्ट ये कहीं नहीं मिलेगा पूरा बिहार का, आप पूरा कहीं भी आप खा के देखिएगा, ये स्वाद कहीं नहीं मिलेगा हमारे यहाँ छोड़ के। तो आपने सुना कि ये जो अशोक राजपथ पे चना भाजी बिकता है उसका टेस्ट जो है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। हालांकि राजधानी में बहुत जगह इस तरह के ठेले लगते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है, इस तरह का टेस्ट दुकानदार, इन्होंने दावा किया है, इस तरह का टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो लोग दीवाने हैं, अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो अशोक राजपथ खुदाबख्श लाइब्रेरी के पास पहुँचिए। शाम को ये ठेला लगता है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपने जो ज़बान का स्वाद है वो चेंज करते हैं। कम कीमत में एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी चीज़ आपको खाने को मिलेगी। इसी तरह की खबरों के लिए आप बन रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन के साथ।